देखिए, इससे पहले एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पटना में सीएम नीतीश से मुलाकात की और चिराग पासवान पार्टी के पांचों सांसदों के साथ में सीएम आवास पहुंचे। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश से मुलाकात भी की और सीएम आवास से निकलने के बाद उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई दी और साथ ही उनका आशीर्वाद भी लिया। आज बातचीत नहीं, सिर्फ बधाई देने का दिन था। मुख्यमंत्री जी को जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने हमारे गठबंधन को मजबूती देने का काम किया और एनडीए का बिहार में जो प्रदर्शन रहा है उसका बड़ा श्रेय जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जाता है तो वहीं उसका श्रेय मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी जाता है। आज मैं, मेरी पार्टी के सारे सांसद, खगड़िया से हमारे राजेश जी, समस्तीपुर से शांभवी जी, अरुण भारती जी जमुई से और वैशाली से वीना देवी जी, आज तमाम सांसद उनसे मिलकर उनका धन्यवाद करने, उनको बधाई देने, उनको शुभकामनाएं देने और उनका आशीर्वाद लेने गए। मुख्यमंत्री जी ने भी दिल खोलकर बधाई और आशीर्वाद दिया। चिराग पासवान विपक्ष पर जम करके निशाना साधा। चिराग पासवान, उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के लोभ में विपक्ष अपने सिद्धांतों से समझौता करने और जनादेश के खिलाफ जाने से भी नहीं कतराता है। विपक्ष की महत्वाकांक्षाएं रही हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को, सत्ता पाने की महत्वाकांक्षाओं को सिद्ध करने के लिए विपक्ष ने हमेशा अपनी सिद्धांतों से, अपने विचारों से समझौता करने का कार्य किया। आज भी विपक्ष इस बात से कतई परहेज नहीं करता है कि अगर उसे जनादेश का अपमान भी करना पड़े, ये जनादेश एनडीए के पक्ष में है। मेरे मुख्यमंत्री जी की पार्टी को मिला हुआ जनादेश हो, मेरी पार्टी को मिला हुआ जनादेश हो, भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ जनादेश हो, ये एनडीए को मिला हुआ जनादेश है। साथ मिलकर हम लोगों ने चुनाव प्रचार किया और साथ मिलकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। एक स्थिर और मजबूत सरकार पुनः देश अगले 5 साल के लिए देखेगा। लोकसभा चुनाव में एलजेपी रामविलास की प्रचंड जीत के बाद चिराग पासवान काफी खुश हैं। चिराग पासवान अपने पूरे परिवार और सभी सांसदों के साथ में एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हुए। वहां पर न्यूज 18 से बातचीत में चिराग पासवान ने कहा है कि जीत कई मायनों में खास भी है और चिराग ने हाजीपुर की जनता को विशेष रूप से धन्यवाद भी दिया। चिराग ने कहा कि यूपी में बड़ा नुकसान हुआ है जिस पर मंथन होगा और चिराग से बात की संवाददाता विनीता मिश्रा ने। चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रचंड जीत हुई है और इस जीत के बाद चिराग पासवान पूरे परिवार के साथ, अपने पांचों सांसदों के साथ दिल्ली रवाना हो रहे हैं। एनडीए की बैठक में वो शामिल होंगे और उससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। पल महत्वपूर्ण है क्योंकि एक चिराग पासवान की पांचों सीट वो जीत चुके हैं। बहुत बड़ी जीत है। जिस तरीके से एक नई पार्टी को 5 सीटें गठबंधन ने विश्वास कर लड़ने के लिए दी और पांच की पांच सीटें हम लोग लड़े, हम लोग जीते। मैं बिहार की जनता का आभार प्रकट करता हूं जो विश्वास उन्होंने हम सब पर जताया। हाजीपुर तो विजयी कर ही लिया आपने, पांचों सीट जहां जेडीयू ने लूट किए हैं, बीजेपी ने लूट किए हैं, बिल्कुल राजेश हनुमान की जय जय होती है। बिल्कुल, और ये हाजीपुर मेरे पिता का आशीर्वाद रहा। हाजीपुर की जनता ने जो विश्वास मुझ पर जताया है, उम्र भर उनके विश्वास को निभाऊंगा। बिल्कुल, तो ये देखिए खुशी है और अभी मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात हुई है। भाई कहाँ चूक हुई, ये जरूर मंथन करने का विषय है।
एनडीए एक साथ बैठकर जरूर इस पर चिंतन हम लोग करेंगे। बिल्कुल, यहाँ देखिए साफ तौर पे चिराग पासवान ने कहा कि यूपी में जो चूक हुई है उस पर मंथन होगा, लेकिन अपनी प्रचंड जीत से वो काफी खुश है। साफ तौर पे कह रहे हैं कि हाजीपुर की जनता ने भरपूर प्यार दिया है और पहली बार अपने पिता की गैर मौजूदगी में उन्होंने जीत का सर्टिफिकेट लिया, और यही वजह है कि हाजीपुर में जहाँ उनका आदमकद लगा हुआ है वहाँ वो सर्टिफिकेट लेकर गए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। समस्तीपुर से सांसद बनी शांभवी चौधरी ने पीएम मोदी, सीएम नीतीश और चिराग पासवान को धन्यवाद दिया है। सीएम नीतीश से मुलाकात के बाद में शांभवी ने कहा कि चिराग पासवान के नेतृत्व में समस्तीपुर में अब विकास होगा। समस्तीपुर का सीट निकला है तो हम ये मानते हैं कि ये उनका प्यार है, उनका आशीर्वाद है, उनका भरोसा है हमारे प्रधानमंत्री पे, हमारे मुख्यमंत्री पे, और ये सभी कार्यकर्ताओं का मेहनत है। और जहां तक रही बात हमारे पार्टी की, तो बिहार का इकलौता पार्टी है जिसका 100% स्ट्राइक रेट रहा है। ये लोगों का विश्वास है चिराग भैया पे, चिराग भैया के नेतृत्व पे, और हम ये मानते हैं कि उनके नेतृत्व में काम